हमारे देश में रेप केस बहुत बड़ी एक समस्या है। जब कोई इक्का दुक्का जब रेप केस जब न्यूज़ चैनलों में आता है, न्यूज़ चैनलों में जब चलने लगता है, तो हमारे देश में सारे लोग इस पे चर्चा करने लगते हैं और लगभग वो 2 दिन 4 दिन 10 दिन तक वो न्यूज़ खूब बनी रहती है। लोग आपस में खूब बातचीत करते हैं, एक दूसरे को सलाह देते हैं, सरकारें भी ऐसी बड़ी बड़ी कदमें लगता है कि अब उठाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। 2 रोज़ 4 रोज़ न्यूज़ चैनलों में रेप्स पे बहस होती है और फिर उसके बाद फिर से वैसे के वैसे सब कुछ हो जाता है। रेप केस अगर देखा जाए, मैंने बहुत सारे ऐसे विक्टिम से बात किया, बहुत सारे ऐसे एक्यूज से बात किया, मुझे कुछ कमियां देखने को मिली कि हमारे देश में जो रेप केस जो बढ़ रहे हैं, ये इसमें कौन से ऐसी कमियां हैं, ऐसी कौन सी कारणों की वजह से रेप केस जो है बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। दोस्तों मैं आप लोग को एक आंकड़ा बता दूं, 2022 का यह आंकड़ा है जिसमें NCRB का रिपोर्ट है कि 4,45,256 ऐसे मामले जो कि रेप केस के दर्ज किए गए। अब आप लोग सोचिए कि हर साल नई नई सरकारें आती हैं, नई नई सरकारें बनती हैं, नई नई कानूने बनती हैं। 2013 में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाया गया कि महिलाओं के साथ ना छेड़छाड़ हो ना रेप हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जोड़ी गई, लेकिन 2022 में भी तेजी से बढ़ी है रेप। कारण क्या है? जो कानून बनाया गया हमारे देश में IPC सेक्शन 375 में जो सर्कमस्टांसेस जो दिया गया है 7 प्रकार के, वो बहुत सारे लोगों को पता नहीं। 90% लोगों को 7 सर्कमस्टांसेस नहीं पता होगा कि इस सर्कमस्टांसेस के वजह से वो कभी रेप केस में फंस सकते हैं। इक्का दुक्का लोगों को पता है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों को पता है, अधिकतम लोगों को पता है किसी महिला के साथ जोर जबरदस्ती करके अगर शारीरिक संबंध बनाते हैं तो रेप केस लग सकता है। ऐसा नहीं है कि हर केस में महिला के साथ जोर जबरदस्ती हो तभी उसके साथ रेप करने के बाद वो रेप चार्ज, ऐसा नहीं होता। अधिकतम केसेस जो हमारे देश में, जैसे मैंने अभी आपको NCRB का जो रिपोर्ट बताया, इसमें अधिकतम जो केसेस आई होंगी इसमें महिला के साथ दोनों की सहमति से शारीरिक संबंध बना होगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो रेप में कन्वर्ट हो गया होगा। ये कारण क्या है, ये प्रॉब्लम क्या है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। मेरा मानना है कि सरकारों को, न्यूज चैनलों को 375 के जो 7 सर्कमस्टांसेस है, लोगों को बताना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए कि इस तरीके के अगर कृत्य आप करते हैं, इस तरीके के अगर काम करते हैं महिला के साथ, तो आप रेप केस में आज नहीं तो कल फंस जाएंगे। दोस्तों रेप केस अगर किसी व्यक्ति के ऊपर लग जाता है, पूरी जीवन उसकी बर्बाद हो जाती है, उसको पुलिस से गिरफ्तारी से कोई नहीं बचा सकता, उसकी गिरफ्तारी 100% हो जाती है। आज के इस वीडियो में मैं इन 7 सर्कमस्टांसेस को बताऊं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, किसी महिला के इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाया जाता है तो वह रेप है। दूसरा ये है कि उसकी सहमति नहीं है, उसने अपना कंसेंट नहीं दे रही है, अगर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया जाए तो ये रेप चार्ज हो सकता है। तीसरा है कि किसी महिला के साथ भय दिखाकर या उसको मृत्यु का भय दिखाकर, किसी अनेकों प्रकार के भय दिखाकर कि तुम्हारे साथ ऐसा कर दिया जाएगा वैसा हो जाएगा और वो अपनी सहमति दे देती है, तो यह रेप में आता है। चौथा ये है कि महिला जिस पुरुष को सहमति दे रही है वह ये समझ रही है कि वह उसका हस्बैंड है, वह उसका पति है, या वो विश्वास करती है कि वह आने वाले दिनों में वह उसके साथ शादी कर लेगा, वो उसके साथ जीवन व्यतीत करेगा। ये चौथा सर्कमस्टांसेस है। दोस्तों मैं चौथे सर्कमस्टांसेस के बारे में मैं आगे बताने वाला हूँ पूरी डिटेल में, ये चौथा सर्कमस्टांसेस आपको समझना चाहिए। पांचवा सर्कमस्टांसेस है किसी महिला को नशा की कोई भी ऐसी दवा या कोई भी नशे की ऐसी चीजों को खिला के उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया जाता है, या महिला पागल है, अनसाउंड माइंड है, कोई शारीरिक संबंध बनाता है, तो पांचवा सर्कमस्टांसेस बोलता है कि यह रेप की कैटेगरी में आएगा। छठा है 18 वर्ष से कोई भी कम की अगर महिला है, कोई भी 18 साल से कम की बच्ची है और अगर वो कंसेंट दे रही है, अपनी सहमति भी दे रही है, अगर उसके साथ अगर आप शारीरिक संबंध बनाते हैं तो रेप के केस में गिना जाएगा। सातवां है ऐसी महिला जो कि किसी कारणों से वह किसी को बता नहीं सकती और वह पीड़ा काफी दिनों तक सहती रहती है, उसके ऊपर कुछ ऐसी समस्या, कोई ऐसी दिक्कत है कि वो किसी को बता नहीं सकती, तब वो कभी भी इस तरीके की जब पता चलेगा तब होगा कि यह रेप चार्ज है। दोस्तों अभी आपने 7 सर्कमस्टांसेस को समझा, आपने 7 सर्कमस्टांसेस को समझने के बाद 1-2 सर्कमस्टांसेस
बेस्ट आंसर आपको समझ में आई होगी या आपको इसके बारे में पता होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि किसी महिला के बिना सहमति के जोर जबरदस्ती से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं तो रेप है, जो कि पहला और दूसरा जो है सर्कमस्टांसेस से आपको कंप्लीट हो जाएगा। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट सर्कमस्टांसेस, चौथा परिस्थिति ऐसी है जो कि मेरा मानना है कि जो रेप केस की जो गिनती में जो बढ़ोतरी है ये चौथा सर्कमस्टांसेस बहुत ज्यादा है। अधिकतम केस जो है कम उम्र के बच्चे आपस में प्रेम संबंध में रहते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, पसंद करते करते दोनों शारीरिक संबंध बना लेते हैं और शारीरिक संबंध बनाने के कुछ दिनों के बाद जब पता चलता है कि एक दूसरे से जब अलग होते हैं तो महिला को कोई बता देता है या उसको जब नॉलेज होती है कि वह लड़का उसको छोड़ दिया है, उसको सबक सिखाने के लिए वह उसके ऊपर रेप केस कर सकती है, तो महिला चौथे सर्कमस्टांसेस को अपनाते हुए उस लड़के के ऊपर FIR दर्ज कर देती है। और ये सबसे ज्यादा जो हमारे देश में जो बढ़ने वाली जो सबसे तेजी से जो रेप केस बढ़ रहा है ये चौथे सर्कमस्टांसेस की वजह से बढ़ रहा है। लड़के पहले दोस्ती करते हैं, महिलाओं को शादी का झांसा देते हैं और उनको अनेकों ऐसे होटलों में ले जाके उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। जब कुछ दिनों के बाद जब रिलेशन टूट जाता है तो महिला को जब पता चलता है तो पुलिस थाने जाती है, पुलिस वाले फिर इसी चौथे सर्कमस्टांसेस में वो लोग मामला दर्ज करते हैं। चौथे सर्कमस्टांसेस में FIR दर्ज होता है और इसी सर्कमस्टांसेस की वजह से हमारे देश में तेजी से रेप केस बढ़ रहे हैं। ये बहुत जरूरी है लोगों को इसके बारे में अवेयर करना, लोगों को बताना कि आप जिस भी लड़की से आप दोस्ती किए हैं, आप जिस लड़की से आप प्यार करते हैं, आप प्यार तक सीमित रखिए, एक दूसरे को पसंद तक सीमित रखिए, एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे यहाँ तक सीमित रखिए, एक दूसरे के बिना खाना खाए हुए, बिना उसके सोए हुए जो भी आपकी जो एक्टिविटी होती है वो सब कुछ कीजिए, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, उस महिला से शारीरिक संबंध नहीं बनाना है। शारीरिक संबंध जैसे आप बनाते हैं वैसे ही आपके ऊपर कभी ना कभी रेप का चार्ज लग सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप महिला को किसी होटल में ले जा रहे हैं, किसी और जगह ले जाके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, आपको लगता है कि हम तो ये सब दोस्ती में किए हैं, उसने कंसेंट दिया है, लेकिन ऐसा नहीं, बाद में अगर वो कंसेंट से अपने मुकर जाती है, वो बोल देती है कि अब ये शादी का वादा था, शादी नहीं किया, तो वो फिर आपके लिए समस्या बन जाती है। तो हर किसी को इस चौथे सर्कमस्टांसेस को पता रहना चाहिए, प्यार कीजिए, कानून भी आपको बोलता है कि आप प्यार कीजिए, लेकिन शारीरिक संबंध मत बनाइए। शारीरिक संबंध जो बनाते हैं जिसके वजह से आने वाले समय में आपके साथ समस्या दिक्कत हो सकती है। छठा सर्कमस्टांसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथा सर्कमस्टांसेस जितना महत्वपूर्ण था उतना छठा सर्कमस्टांसेस। दो दोस्त आपस में प्यार करते हैं, लड़की का उम्र लड़के को पता नहीं है कि कितना उम्र है, क्योंकि जब प्यार होता है तो कोई उम्र का पता नहीं, हो सकता है कि 60 वर्ष के भी उम्र के व्यक्ति से प्यार हो जाए या पता चले 15 साल के भी उम्र के बच्चे से प्यार हो जाए। इस चीज़ का आपको ध्यान रख, आप जिस लड़की से प्यार कर रहे हैं, जिससे आप दोस्ती किए हैं, अगर 18 साल से कम उम्र की अगर वो है तो वह उसके साथ आप शारीरिक संबंध ना बनाए। अगर आप 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ कंसेंट भी दे रही हो, लड़की सहमति भी है, राजी भी है आपके साथ शारीरिक संबंध बनाने को, और आप उसके शारीरिक संबंध बनाते हैं और बाद में वो लड़की को घर वाले को या किसी को भी पता चलेगा तो आपके ऊपर रेप केस बन जाएगा। चाहे वो लड़की क्यों ना बोल दे कि नहीं मैंने अपनी सहमति से बनाया, लेकिन 18 साल से कम के बच्चे के साथ शारीरिक संबंध ये अपने आप में रेप केस को दर्शाता है। बहुत सारे ऐसे मैंने केस देखा, मेरे पास व्हाट्सएप से भी कॉल आया था, बातचीत हुई लड़कों से, तो लड़का कहना था कि सर मुझे नहीं पता था कि लड़की की उम्र 18 साल से कम है, वो तो मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, मैं भी उसको बहुत पसंद करता था, लेकिन उसके घर वालों ने हमारे ऊपर FIR करा दिया रेप केस का, ऐसे कैसे, लड़की तो पूरी बोल रही है कि नहीं मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, लड़की मेरे साथ है, लेकिन पुलिस फिर भी हमें परेशान। दोस्तों यही साथ छठा सर्कमस्टांसेस जो है, लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम है, इस वजह से आपके साथ प्रॉब्लम आ रही है, तो अगली बार से आप प्यार करें तो 18 से ऊपर समझ के करें, 18 से कम के ना सोच के करें, और प्यार भी करते हैं तो आप शारीरिक संबंध बनाने की ना सोचें 18 साल से कम की अगर बच्ची है तो। अगर वो कंसेंट भी कोर्ट में भी जाके बोल देगी मैंने अपनी मर्जी से बनाया है तो भी कोर्ट नहीं मानेगा, आपको फिर सजा होनी है। इसलिए 18 से कम की जो बच्ची है उनको साथ कभी भी शारीरिक संबंध ना बनाए, उनके सहमति के बाद भी।
दोस्तों एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि कुछ महिलाएं झूठा केस में फंसा देती हैं, झूठा केस जब बनता है पुलिस वाले परेशान भी करते हैं, दिक्कत भी होती है। कोई भी महिला अगर जाती है थाने पे मामला दर्ज कराने तो पुलिस वाले बहुत सारी चीजों को देखते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको उनको भी लग जाता है कि महिला झूठी बता रही है सच्ची बता रही है, उसके बाद ही FIR दर्ज करते हैं। और अगर आप सच्चे हैं, आपने महिला के साथ कुछ ऐसे गलत नहीं किया है, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, आप फिर आसानी से बच जाएंगे, आपके ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। भाई महिला बेशक FIR दर्ज करा दे, कुछ भी करा दे, आप आसानी से बच जाओगे और बचने के बाद उसके ऊपर मुकदमा भी कर सकते हैं। अगर कोई महिला आपके साथ अगर गलत चीज़ें कर रही है, झूठे केस में फंसा रही है, तो आप भी जब उस केस से बच जाइएगा, जब रिहा हो जाइएगा, तो उस महिला को सबक सिखा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि महिला अगर आपके ऊपर गलत चार्ज लगाती है, गलत चीज़ें करती है, FIR करा देती है, फंसा देती है, तो आप निहत्थे हो गए, आपके पास कोई भी चीज़ें नहीं। ऐसा नहीं, आपके पास भी बहुत सारी ऐसे हथियार हैं कि आप भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको सजा दिलवा सकते हैं। दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आज का जो ये वीडियो बताया हूँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप ये वीडियो हर किसी के पास सेंड करेंगे, हर किसी को बताएंगे। इस वीडियो में जो बातें बताई गई हर किसी को समझना चाहिए, अगर भविष्य में कभी भी वो चाहते हैं रेप केस से बचना। तो दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप आगे शेयर करें, लाइक कर दें, और विधि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग विधि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के बीच में मैं लेकर आते रहूँगा और आपको जानकारी देते रहूँगा। कानून की जानकारी रखना बहुत जरूरी है, कानून की जानकारी नहीं रखिएगा समस्या आएगी, जब फंसेंगे आपके समय और धन की बहुत सारी नुकसान होगा। आपको मेरी इस वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।